हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है वो सारे कैडेट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम ऑन बोर्ड जा रहे हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आता है मेरे पे कि सर वो सब चीजें बता दो जो हमें पता होना चाहिए अगर हम फर्स्ट टाइम ऑन बोर्ड जा रहे हैं। तो यही सेम क्वेश्चन मेरे अंदर भी था जब मैं फर्स्ट टाइम शिप पे जा रहा था। मैं बहुत सारे सीनियर से पूछा कि मुझे बता दो कि मुझे क्या क्या पता होना चाहिए पहले शिप पे जाने से पहले, क्योंकि कोई भी ऑफिसर कोई भी कैप्टन आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन। उनको भी पता है आप फर्स्ट टाइम ऑन बोर्ड आ रहे हो तो आपसे वो बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट दे कैन आस्क अ बेसिक डेफिनेशन, बट दे कैन आस्क अ बेसिक स्ट्रक्चर जो कि आपको पता होना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई जस्ट स्टार्टेड माय ब्लॉग चैनल एसके ब्लॉग्स। तो अगर आपने उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट गो एंड क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप सीधा उस पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, क्लिक द सब्सक्राइब बटन। और उस चैनल पे अभी मैंने लेटेस्ट में ही मूविंग विंचेस पे एक वीडियो डाला है, तो इस वीडियो के बाद आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। उसमें आपको पता चलेगा मूविंग विंच को आपको कैसे यूज करना होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम टेक कैडेट में जा रहे हो तो वो वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। नाउ कमिंग टू द मेन कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ किताबों वाली ही बातें नहीं बताऊंगा कि आपको किताबों में क्या क्या पता होना चाहिए। किताबों के अलावा भी आपके मैनर्स एंड ऑल, आपके बात करने का तरीका और आपका बहुत सारा चीज शिप पे काफी सही होना बहुत जरूरी है, तो वो सब चीजें बताऊंगा। तो सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और उसको अप्लाई भी करना। Now coming to the first point which is outer body of the ship जो कि आप देख पा रहे हो, तो इस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए वो है आपको फोरकासल डेक, व्हाट इज पूप डेक, व्हाट इज मास्ट, मेन मास्ट, फॉरवर्ड मास्ट, और आपका मूरिंग विंचेस कौन से होते हैं, मूरिंग विंचेस के कुछ टर्म्स आपको आने चाहिए, विंडलास, विंडलास के कुछ टर्म्स आने चाहिए, आपको कील, बल्कहेड, what is port side, what is starboard side, what is forward, what is aft, what is stern, ये कुछ basic चीजें हैं जो कि आपको आनी चाहिए। इसके बाद है what is ballasting and deballasting। अगर आप बल्क कैरियर पे जा रहे हो तो ये काफी important है, आपको पता होना चाहिए what is ballasting, what is deballasting और what is ballast exchange और different method of doing ballast exchange, ये अगर बल्क कैरियर पे जा रहे हो तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके बाद है आपके कुछ और टर्म्स लाइक हॉगिंग, सैगिंग, लिस्टिंग, ट्रिमिंग, व्हाट इज ड्राफ्ट, ये सब भी कुछ टर्म्स है जो कि आपसे कोई भी ऑफिसर पूछ सकता है। एंड नाउ कमिंग टू द ब्रिज पार्ट, आपको ब्रिज इक्विपमेंट के नाम पता होना चाहिए और उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का जो मेन यूज है, सबसे मेन यूज। देखो थ्योरी मैंने भी पढ़ी है, मेरे को पता है आपको इक्विपमेंट का जब नाम बताया जाता है लाइक एक्टिस, तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एक्टिस ऑन बोर्ड, वो भी आपको बताया जाता है। तो एटलीस्ट उसका मेन पर्पस आपको पता होना चाहिए। कोई भी इक्विपमेंट आपसे पूछा जा सकता है, जो मेजर इक्विपमेंट है एटलीस्ट आपको उनके नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे एक्टिस हो गया, रडार हो गया, GPS हो गया, डॉक्टर्स लॉग हो गया, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद अगर आ जाते हैं हम लोग ROR पे, तो ROR वाला एक ऐसा सेक्शन है जो कि कोई भी ऑफिसर कैप्टन आपसे कभी भी पूछ सकता है, बट ROR इतना आसान नहीं है और फर्स्ट टाइमर कैडेट के लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं कि उसको सब कुछ आ रहा हो ROR का। तो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट रूल हैं जो मुझे आने ही चाहिए, तो मैं बोलूँगा यार रूल नंबर 5 तो एटलीस्ट तुमको प्रॉपर रटा होना चाहिए। रूल नंबर 5 जो लुकआउट एवरीवेयर सच एट ऑल टाइम्स मेंटेन अ प्रॉपर लुकआउट बाय साइड हियरिंग एज वेल एज बाय ऑल अवेलेबल मींस, ये ऐसे करके आपको पूरा रटा होना चाहिए। और क्योंकि आप लुकआउट रखने के लिए जा रहे हो ब्रिज पे, तो क्यों रख रहे हो, किस रूल में ये कहा गया है कि आप तुमको लुकआउट रखना है, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती है। और ये सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ जो कि मेरे से पूछी गई है और आपसे भी पूछी जा सकती है, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। रूल नंबर 5 के बाद अगर कोई रूल आपसे पूछा जा सकता है वो होगा आपका रूल नंबर 19 रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी। अगर आपके वॉच में रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी आ जाता है तो दे कैन आस्क यू द फॉग सिग्नल, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा आपका है लाइट्स एंड सेफ्स,
अगर आप वॉच कर रहे हो नाइट टाइम में तो आपको सामने होराइजन की सिर्फ लाइट्स ही दिख रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट वो पता होना चाहिए कि कौन सा लाइट्स किस पे चल रहा है, तो वो भी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू आपको उसका भी होना चाहिए। इसके अलावा आपको एरर्स निकालने आने चाहिए, एरर्स निकालना भी आपको DNS में सिखाया जाता है, और अगर आपको नहीं आता है तो जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, मैं इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि आपका डिफरेंट डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन स्टार मून प्लैनेट इनके यूज से आप कैसे जायरो एरर निकालते हैं, कैसे क्या प्रोसेस होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में। तो ये इसके अलावा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर चार्टवर्क में मुझे क्या क्या आना चाहिए। तो यार देखो चार्टवर्क कोई बहुत बड़ा यहाँ पे करवाया नहीं जाता है आपसे बहुत ज़्यादा चार्टवर्किंग यहाँ पे नहीं होती है, बट आपको पोजीशन प्लॉट करने आना चाहिए, हाउ टू प्लॉट योर पोजीशन, आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है तो आपको एटलीस्ट पोजीशन प्लॉट करने आना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको सब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपके सामने हैं, आपके चार्ट पे बने हुए होते हैं, आपको अपना पैरेलल रूलर चलाना आना चाहिए एंड हाउ टू यूज योर कंपास और वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो ये काफ़ी एक बेसिक चीज़ है जो कि आपको चार्टवर्क में आना चाहिए। कैडेट के बाद आप बनने वाले हो थर्ड ऑफिसर, और थर्ड ऑफिसर के अंडर में आता है LSA एंड FA का मेंटेनेंस, तो आपको एटलीस्ट कुछ LSA इक्विपमेंट्स एंड कुछ FA इक्विपमेंट्स के नाम पता होने चाहिए। इसके बाद आप डे वर्क में काम करने वाले हो क्रू के साथ, तो आपको कुछ टूल्स के नाम पता होने चाहिए, जैसे आपका नट एंड बोल्ट, प्लायर, शिफ्टर, रैचेट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैमर जो होते हैं, और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी बोसन आपसे बोल सकता है लाने के लिए, और आपको जाके वो लेके आना पड़ेगा बोसन स्टोर से, तो बेइज्जती ना हो जाए इसलिए थोड़ी बहुत नॉलेज उनका भी आपको होनी चाहिए। DNS में आपको पढ़ाया जाता है कंप्यूटर, और उसमें आपको बताया जाता है हाउ टू यूज़ MS Word एंड MS Excel। कुछ बच्चे उसको भूल जाते हैं, उसको मत भूलना, हाउ टू यूज द टूल्स ऑफ MS Word एंड MS Excel आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो दिन भर आप पेपर वर्क करते ही रह जाओगे, सिम पढ़ते ही रह जाओगे, और लास्ट में आपको मिलेगा चीफ ऑफिसर से बम, तो आपको MS Word और MS Excel के टूल्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये थी कुछ किताबी बातें या फिर वो जो DNS में आपको पढ़ाया जाता है, बट इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको आना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है हाउ टू डू योर CRP या फिर एक्टिविटी बुक। दोनों किताबें डेक कैडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एट द एंड वो भी चेक होने वाला है, उसमें आप कैसे रिमार्क ले रहे हो, कैसे आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कैसे डेट डाल रहे हो, सिग्नेचर एंड ऑल योर सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, CRP हो गया या फिर एक्टिविटी बुक या फिर CRP के पीछे वाले प्रोजेक्ट हो। तो अगर आपको उस पर भी एक डिटेल वीडियो चाहिए तो जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस पर भी बनाऊंगा CRP कैसे करना है, एक्टिविटी बुक कैसे करना है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा यार आपके अंदर एथिक्स होने चाहिए, आपको सबको विश करना आना चाहिए, चाहे वो कोई भी रैंक हो, चाहे वो क्रू है, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे आपके मतलब रैंक टू रैंक, जैसे कि आप डेक कैडेट हो तो इंजन कैडेट हो, तो ये सब चीज़ें आपके अंदर, ये छोटी छोटी मैनर्स आपके अंदर होनी चाहिए विश करने का, जैसे आप सुबह सुबह मिल रहे हो तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में मिल रहे हो तो गुड आफ्टरनून, या फिर शाम में तो गुड इवनिंग, या फिर जब जा रहे हो बेड पे तो गुड नाइट, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि आप देखो आप नहीं कर रहे हो बट सामने वाला करेगा, तो आप धीरे धीरे सीख ही जाओगे, तो इससे बढ़िया कि आपको पहले से ही ये आनी चाहिए, तो ये छोटी सी चीज़ हो गई। इसके अलावा आपको थैंक यू बोलना एंड सॉरी बोलना, ये दो चीज़ें आपको आनी चाहिए, अगर आपका कोई छोटा सा भी हेल्प करता है तो आप उसको थैंक यू बोलते हो, क्योंकि ऑनबोर्ड अगर आप नहीं भी बोलते हो तो आप से मतलब सामने वाला आपको बोलेगा एंड यू विल फील इम्बेस, तो अगर वो आपका हेल्प कर रहा है तो टेल हिम थैंक यू, और अगर आप कोई भी गलती करते हो या फिर कुछ भी होता है, कुछ भी थोड़ा सा भी गलत, तो जस्ट टेल देम सॉरी, ठीक है, तो ये दो चीज़ें सॉरी बोलना एंड थैंक यू बोलना आपको आना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बैक पिचिंग, किसी भी इंसान की बुराई उसके पीछे किसी भी और ग्रुप से मत करना, क्योंकि यार देखो ये सिर्फ काफ़ी छोटी है और यहाँ पे लोग बहुत कम है, 20-25 लोगों की सिर्फ है और काफ़ी छोटे जगह पे सब रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से उसको पता लग जाएगा कि आपने उसकी बुराई करी है किसी और ऑफिसर, किसी और इंजीनियर से या फिर किसी और ग्रुप से, तो ये गलती मत करना।
क्योंकि फिर वो आपके लिए सही नहीं रहेगा और पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका उसके साथ रिलेशनशिप बेकार रहेगा। बहुत कम लोग हैं यार सबसे रिलेशनशिप अच्छे बना के रखो। और एक सिप का अपना सिस्टम होता है, सब कोई घर से दूर है, सब कोई अपने फ्रेंड से दूर है, तो वो एक अपना फ्रेंडशिप सर्किल ही बन जाता है। पूरा एक पूरा फ्रेंडशिप सर्किल बन जाता है, वो सब एक दूसरे के फ्रेंड्स बन ही जाते हैं। तो वो बना के रखो, वो लाइक बैलेंस बना के रखो। थोड़ा सा भी किसी के बारे में गलत बोलना नहीं, सब आप देख तो सब रहे हो, आप कुछ गलत होता हुआ भी देख रहे हो, सही होता हुआ भी देख रहे हो, बट स्टिल जस्ट कीप क्वाइट, यू आर स्टिल अ टेक कैडेट। आप कुछ कोई बड़े हायर रैंक के ऑफिसर या फिर इंजीनियर नहीं हो, तो स्टिल अ टेक कैडेट। तो इस सब चीज़ों में अपना थोड़ा मुंह बंद करके रखना और आराम से आपका पूरा टेन्योर निकल जाएगा। तो यार दैट्स इट, ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगता था जो कि आपको पता होनी चाहिए बिफोर कमिंग ऑन योर फर्स्ट सिप। देखो ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये सब चीज़ें पता नहीं है तो यू कैनॉट सर्वाइव ऑन सिप, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आपको टॉर्चर करेगा कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, बट एटलीस्ट अगर आपको अच्छा इंप्रेशन बनाना है तो ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यू हैव डन वन ईयर कोर्स तो आपको इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए, और कैप्टन को थोड़ा बहुत तो आपसे एक्सपेक्टेशन हो कि आपको ये आता है, आपको वो आता है। तो एटलीस्ट ये सब चीज़ें आप तैयार करके आ सकते हो ऑन बोर्ड। एंड अगर कुछ और आपको लगता है कि मुझे ऐड करना चाहिए तो जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल पिन दैट कमेंट। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब माई ब्लॉगिंग चैनल।